सभी बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2, तो उसी पे बेस आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखो इसे पढ़ने से पहले मैं ये बता दूं, जिसने इससे पिछले वाली क्लास को नहीं देखा है जाके उसे देख ले सबसे पहले, क्योंकि वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। उस लेक्चर को देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कौन सी है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन में, है ना। तो देखिए सिंपल है, एक हमने क्या थी हॉरिजॉन्टल लाइन ली थी और एक वर्टिकल लाइन ली थी, ठीक है। तो ये जो लाइन्स हैं किसी भी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करती है ना, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये वाला हो गया फोर्थ। तो इनको बोला जाता है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, है ना, और ये हो गई हमारी y एक्सिस, ठीक है। अगर इसे और उसमें लिखना चाहें तो ये हो गई हमारी पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो जाएगी नेगेटिव x एक्सिस, ये हो जाती है नेगेटिव y एक्सिस और ये हो जाती है पॉजिटिव y एक्सिस। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास, सिंपल हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है हमारी x एक्सिस, ये पूरी x एक्सिस है ना, और ये क्या है पूरी वर्टिकल लाइन जो है इसे बोलते हैं y एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, सपोज इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है, तो आप कहाँ से बताते हैं, इस परपेंडिकुलर लाइन माने वाई से बताएंगे ना यहाँ से। तो ये हो गई वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन से भी बताएंगे यहाँ से, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को बोला जाता है यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। What is the name of each part of the plane found by these two lines? तो देखो ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें क्या है, ये जो दो लाइन्स हैं ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करती है, और हर पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्वाड्रेंट बोलते हैं, है ना। ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हर पार्ट का नाम क्या हो गया, क्वाड्रेंट, क्या हो गया क्वाड्रेंट, है ना। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे इस वाली एक्सिस से, तो ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक थर्ड, यहाँ से यहाँ तक फोर्थ, है ना, सिंपल है। फिर देखिए राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। तो देखिए दोनों लाइन, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, है ना। ये क्या है हमारा ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0, माने एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या होता है 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो यहाँ पे एक बात और देख लीजिए, देखिए जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, एक्स कोऑर्डिनेट उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, है ना, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा उसे बोलते हैं एब्सिसा, और जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट है इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हमें, है ना। तो देखिए B पॉइंट कहाँ पर है हमारा, ये हमारा B पॉइंट है ना। तो इसके X और Y कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको, है ना। तो देखिए इसके जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप परपेंडिकुलर लाइन से निकालेंगे, है ना। तो परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है हमारी, एक तो Y एक्सिस है और एक X एक्सिस है। तो X कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, X कोऑर्डिनेट हम कहाँ से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर Y एक्सिस, है ना, y एक्सिस से मेजर करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में जो भी होगा, तो यही हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। तो देखिए यहाँ से हम कितना चले हैं, यहाँ से कितना मूव किया है, माइनस के 5, है ना। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो गया मेरा, माइनस के 5, सही है। वैसे ही उसी तरीके से देखिए y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट कैसे नापते हैं हम, y कोऑर्डिनेट कहाँ से नापते हैं, y कोऑर्डिनेट हम x एक्सिस से नापते हैं, है ना। यानी हम x एक्सिस से कितना ऊपर मूव किए हैं, तो x एक्सिस से कितना ऊपर मूव किए देख लो यहाँ पर, ये किए और 2, पॉजिटिव के 2, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5, 2, है ना, सिंपल। अब देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालने हैं हमें, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालोगे तो इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कहाँ से लेते हो आप, y एक्सिस से, है ना, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में लेते हैं और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस लेंगे। तो ये देखिए ये कितना है, यहाँ से कितना मूव किया,
ये आप मूव किए हो, यहाँ से 5 मूव किए हो, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 5, है ना। और वाई कोऑर्डिनेट देखिए, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका 5 माइनस के 5, है ना। तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया -k5, सिंपल, है ना। अब देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। अब हमें ये देखना है -3 और -5 क्या होगा, है ना, -3 और -5। तो देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कितनी है, -3, और वाई डायरेक्शन में मूवमेंट कितनी है, -k5। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, एक्स कोऑर्डिनेट -3, तो -3 मूव करना है, तो ओरिजिन कहाँ है आपका, ये है, तो -3 मूव करेंगे आप, तो -3 एक्स डायरेक्शन में, तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, यानी कि इस तरफ। तो ये देखिए -3 है हमारा, है ना। अब इसके बाद देखिए आपको कितना मूव करना है, -5 मूव करना है, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए आप इस पॉइंट तक। अब देखिए -5 और मूव करना है आपको, तो -5 मतलब हो गया वाई डायरेक्शन में मूवमेंट, है ना, वाई डायरेक्शन में मूवमेंट, और माइनस लगाए तो निगेटिव वाई डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये किसके परपेंडिकुलर होता है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर निगेटिव वाई डायरेक्शन में मूवमेंट करोगे आप कितनी, -k5। तो देखिए ये -k5 है, आप यहाँ पहुंच गए देखिए इस पॉइंट पे, तो यही इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए हमारे, -3, -5। देख लो आप, -3 आप कितना मूव किए हो एक्स में, और वाई में कितना मूव किए हो आप, -k5, ये रहा -k5 आप, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे हमें फाइंड करना है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो देखिए एक्स में हमारी मूवमेंट कितनी है, सबसे पहले ये देख लीजिए एक्स में कितनी मूवमेंट है हमारी, 2, और वाई में कितनी मूवमेंट है, -k4। तो एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है आपको 2, तो ओरिजिन पे आ जाइए आप यहाँ पे सबसे पहले। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में 2 मूवमेंट है, यानी पॉजिटिव 2, और परपेंडिकुलर किसके होगी, वाई एक्सिस के, यानी इसके परपेंडिकुलर होगी, और एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट होगी 2, तो यानी यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ पहुँच गए आप, मतलब इतनी मूवमेंट आपको एक्स डायरेक्शन में करनी है, तो 2 आ गया ये, सही है। अब देखिए आपको 4 और है यहाँ पे, -k4, है ना, तो -k4 और चलना है आपको, यानी कि आप यहाँ पहुँच गए, है ना, इस पॉइंट पे पहुँच गए आप। अब आपको -4 और चलना है, तो -4 चलने के लिए मतलब ये है वाई डायरेक्शन में, निगेटिव वाई डायरेक्शन में, है ना। देखिए -4 है, तो निगेटिव वाई किधर है आपका, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर किसके होगा, एक्स एक्सिस के, तो -4 चल देंगे आप यहाँ से नीचे। तो देखिए ये क्या है मेरा, -k4, है ना, तो पहुंच गए यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे इसके, ये क्या होंगे, 2, -4। पहले आप कितना चले यहाँ से, 2, फिर कितना चले आप यहाँ से, फिर आप यहाँ से चले -k4, तो आप इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच गए, कौन से, 2, -4, सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन को। तो देखिए 5th क्वेश्चन है हमारा, द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। एप्सिसा का मतलब मैंने बताया था, एप्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है, सॉरी, ऑर्डिनेट इसका मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल, है ना। अब एप्सिसा देख लीजिए आप, एप्सिसा क्या है, द एप्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो पॉइंट डी ये रहा, इसका मुझे एप्सिसा बताना है, माने एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमारी एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट, है ना, कहाँ से, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट देख लीजिए आप डी पॉइंट की। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में आप कितना मूव किया है यहाँ से, ये देखिए आप 6 मूव करें, है ना, कहीं से भी देख लीजिए आप, यहाँ से देख लीजिए कितना मूवमेंट किए हैं आप, यहाँ पे आप 6 मूवमेंट किए हैं ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 6, एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 6। अब देखिए हमें निकालना है ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, तो एच पॉइंट का आपको वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एच पॉइंट देख लीजिए, सबसे पहले एच पॉइंट ये है, इसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया वाई डायरेक्शन में मूवमेंट। अब देखिए एच जो है हमारा माइनस वाई डायरेक्शन में है नीचे, है ना, तो देखिए ये होता है हमारा वाई डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस देख लो, ये कितना मूव किया है यहाँ से, ये हो गया तुम्हारा -k3, है ना, कहीं से भी देख लो आप, यहाँ से देख लो, ये देखो कितना मूव हुआ है ये,
एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ये इसकी टोटल कितनी है, माइनस के 3। तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस के 3। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। अब हमें एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए एल पॉइंट कहाँ है हमारा, एल पॉइंट ये है हमारा। तो देखिए इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सिंपल एक्स कॉमा वाई। अब देखिए एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगी हमारी, एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है इस पॉइंट की, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट देखिए या तो इधर या तो इधर, ये कहीं नहीं है, ये यहीं का यहीं पे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो मूवमेंट है वो जीरो है, एक्स डायरेक्शन में तो मूव ही नहीं कर रहा क्योंकि वाई एक्सिस पे बैठा हुआ है। हम जो मूवमेंट लेते हैं वाई एक्सिस से मूवमेंट लेते हैं ना एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन से जब मूवमेंट देखते हैं तो यहाँ तो ये इसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, जीरो। तो एक्स डायरेक्शन में इसका मूवमेंट जीरो है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, जीरो। अब देखिए वाई डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वाई डायरेक्शन में मूवमेंट देखो फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना मूव किया है, यहाँ पे देखो ये है हमारा 5 प्लस के 5, तो वाई क्या हो गया हमारा प्लस के 5। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एल पॉइंट हो गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है हमें। तो एम पॉइंट देख लीजिए, एम पॉइंट कहाँ है हमारा, एम पॉइंट ये है, ये एक्स एक्सिस पे बैठा है हमारा आज यहाँ पे, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें x और y निकालना है इसका, x और y। तो x क्या होता है, x डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस हमारी ये वाली है ना, तो y एक्सिस से मूवमेंट देखिए x डायरेक्शन में कितना हो गया ये, है ना, तो ये हो गया इसका माइनस के 3। ठीक है, तो आप लिख दीजिए माइनस के 3, सिंपल। फिर देखिए y कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y डायरेक्शन में मूवमेंट फ्रॉम x एक्सिस। तो देखिए y डायरेक्शन में तो मूवमेंट इसकी हो ही नहीं रही है यहाँ पे, है ना, जो भी हम मूवमेंट देखते हैं वो कहाँ से देखते हैं, x एक्सिस से। तो x एक्सिस से देखिए ना ये इधर को जा रहा है ना ये इधर को जा रहा है, ये यहीं पे बैठा हुआ है, तो इसकी मूवमेंट कितनी हो गई y डायरेक्शन में, जीरो। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो, तो इसे सिंपल जीरो लिख दीजिए। तो ये हो गई आज की क्लास, अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।